नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑनलाइन आवेदन शुरू, योग्यता परीक्षा तिथि एडमिट कार्ड, संपूर्ण जानकारी आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए दोस्तों। कौन से अभ्यर्थी इस जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा दोस्तों। यह जो है बहुत कम ही आप लोग को मौका देखने को मिलता है और बहुत अच्छा जो है दोस्तों यह सब पोस्ट है। मिलिट्री में पैरामेडिकल पोस्ट की जो भर्ती होती है उन सब के बारे में बता रहा हूँ। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको देखिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 6 दिसंबर को नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सेलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC 2023-24 द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो दिया गया दोस्तों यहाँ से, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हैज बीन स्टेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सेलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन 2023-24 अंडर द एजिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। द एग्जामिनेशन ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सेलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन 2023-24 इज ए नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। द एग्जामिनेशन विल बी द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर के आधार पर परीक्षा होगी दोस्तों ये आपकी, और 14 जनवरी 2024 को सेंटर ऑल ओवर इंडिया, मतलब कहीं पर जो है ऑल ओवर इंडिया में आपको सेंटर मिल सकता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, 24 जनवरी को यह परीक्षा प्रस्तावित है दोस्तों। और CBT इज फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली हु और इंडियन एंड बिटवीन 21 से 35 साल एज, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों केवल महिला कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकती हैं जिनकी उम्र 21 से 35 साल के बीच में हो और प्रिस्क्राइब फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, उनको जो है एप्लीकेशन के लिए प्रिस्क्राइब किया जा रहा है दोस्तों। अब शेड्यूल देख सकते हैं, द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविस्ट एज फॉलो, इसमें दिया गया ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 11 दिसंबर से दोस्तों शुरू हो जाएगा और 26 दिसंबर तक शाम को 6 बजे तक जो है रहेगा, यानी 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। लास्ट डेट जो है दोस्तों 26 दिसंबर को पेमेंट होगा आपका 11:30 PM तक जो है, मतलब मध्यरात में है। और फैसिलिटी फॉर करेक्शन ऑफ जेन्युइन मिस्टेक, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, कुछ अगर गड़बड़ हुआ है फॉर्म में अप्लाई करते समय, तो 27 दिसंबर को आप 27 से 28 दिसंबर 11:30 बजे तक करेक्शन कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर द NTA वेबसाइट, एक मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड। और डेट इसका देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन CBT मोड, 14 जनवरी को परीक्षा है। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट बाई द कैंडिडेट एंड आंसर के फॉर इन्वाइटिंग चैलेंज टू बी डिस्प्लेड ऑन द NTA वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा। अभी वहाँ पर आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा 14 जनवरी के बाद कभी भी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द NTA वेबसाइट पर देखते रहिएगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है आपका जो दिया गया है 2 घंटा, मतलब 2.5 घंटे का परीक्षा होगा आपका और 150 मिनट यानी वही 2.5 घंटे का टाइम ऑफ एग्ज़ाम 10:00 से 12:30 बजे तक आपका परीक्षा होगा। यह सब जो है दिया गया है शेड्यूल दोस्तों। आगे बता रहे हैं क्या और है, आगे दोस्तों जो दिया गया है, दिया है द CBD विल कंसिस्ट ऑफ MCQ नर्सिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल इंटेलिजेंट, द CBT विल बी इन इंग्लिश ओनली, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। सबसे बढ़िया है दोस्तों आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी प्रश्न को कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नो निगेटिव मार्किंग है, केवल इंग्लिश में ही पेपर आपका आएगा और वह भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे MCQ कर, मतलब आपका यह जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इंग्लिश में ही रहेगा। इसमें दिया इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी स्कीम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम फीस, प्रोसीजर अप्लाइंग तो बिफोर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन होस्टेड ऑफ द वेबसाइट NTA वेबसाइट पर आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा यहाँ पर शोरगुल ज़्यादा हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ।
कैंडिडेट हु और डिजायर्स फॉर अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम मे गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड अप्लाई इन। देखिए दोस्तों, इसी पर आप जाके वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना रहेगा 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। इस पर सभी कुछ फीस वगैरह दिया गया है, कैसे फीस जमा करना है वो भी दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई MNS सिलेक्शन फॉर SSC 2023-24 थ्रू ऑनलाइन मोड देना। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका अप्लाई होगा ऑनलाइन मोड ही होगा और किसी माध्यम से नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड, केवल एक ही एप्लीकेशन सबमिट होगा। अंडर नो सरकमटेंस कैंडिडेट विल बी अलाउड फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट द लार्ज लेटर स्टेज अगेंस्ट सच एयर कैंडिडेट हु हैव फिल्ड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एक से ज़्यादा आप फिल नहीं कर सकते हैं, एक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, मतलब सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस आपको जरूर भरना है, मोबाइल नंबर जरूर भरना है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो आपका इंफॉर्मेशन वगैरह जो सेंड किया जाएगा मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजा जाएगा दोस्तों। और डिफ़िकल्ट इन अप्लाइंग, और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है फॉर्म भरने में, तो आप यहां पर ईमेल के माध्यम से इस ईमेल पर जो है संपर्क कर सकते हैं, और या फिर इस पर फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यह सब दिया गया है, और इसके बाद जो है यहाँ पर बहुत कुछ जानकारियाँ हैं दोस्तों, और कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग किए हुए अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों यह रही बहुत बड़ी अपडेट, BSc नर्सिंग वाले अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। फुल नोटिफिकेशन के साथ मैं अगले वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, फॉर्म कैसे कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको भर के भी दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।